भाई क्या हो बे? ये देख क्या हुआ, क्या हुआ? देख क्या कोरोना का भाई आ गया अबे। नहीं क्या? बे नहीं, KGF चैप्टर टू नहीं का बे, पहले रिलीज हो ट्वेंटी गया। नाइन्थ को, 29th नहीं अप्रैल को दुनिया फिर खत्म क्या होने वाला हुआ, है। क्या हाँ दिखा? देख यार, इसका क्या करूं मैं यार, क्या। अच्छा अच्छा नहीं कुछ नहीं है, मैं ये सोच रहा था कि तेरे जैसे लड़के को मैंने अपने चैन में जगह ही क्यों दिया। मतलब कि क्या देख के बोल रहा है कि यार 29th अप्रैल को दुनिया खत्म हो भाई जाएगी? YouTube में दिखा रहा पागल है, है, तुझे कुछ नहीं पता? नहीं पता कुछ इसके YouTube बारे में में? दिखा रहा है। मतलब कि YouTube पे देखेगा और मान लेगा, हाँ भाई हम भी YouTube चलाते हैं, इसका मतलब ये कि फेक फेक सब दे देंगे। कुछ इज्जत है हमारा भी, कुछ एथिकल हैकरों इज्जत है हमारा, हम इतना फेक वेक थोड़ी ना कुछ बोलते। तुझे नहीं पता क्या मैं बोलता हूँ? रुक चल, हाँ इंट्रो बता, लगा, चल चल इंट्रो लगा, मैं लगा आज रहा हूँ, में इस बता 29th अप्रैल के सारे किस्से को बाहर निकालूंगा। तू इंट्रो लगा, चल। लगा रहा हूँ, ले लग गया। भाई क्या जमाना आ हाँ चुका है भाई, भाई, क्या आजकल जमाना आ हमको चुका है। एस्ट्रॉइड पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस तरह के लोगों की वजह से क्या कर सकते हैं यार आजकल। इस वही बात यूट्यूब है पे एस्ट्रॉइड भी बहुत भाई। छाया हुआ है। अभी पहले तो ये करोना छाया हुआ था, अभी ये एस्ट्रॉइड छाया हुआ है। ये दोनों आपस में टक्कर लगाने की, हाँ मैं छाऊंगा, मैं छाऊंगा, घंटा छाएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इस एस्ट्रॉइड की थोड़ी खुलासा कर दूँ, मतलब कि ये क्या बेसिकली हो रहा है। तो यहाँ पे 29th अप्रैल 2020, जो एक बड़ा लकी नंबर है हम सबके लिए, तो इस लकी नंबर और लकी मंथ भी हम सबके लिए, पता नहीं क्यों लकी मंथ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक बेसिकली ये न्यूज़ फैला है कि 29th अप्रैल 2020 को एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड धरती से टकराएगा और धरती खत्म हो जाएगा। शॉक लगाना, बहुत बड़ा, शॉक लगाना। बहुत बड़ा। हाँ तो ये वैसा बेसिकली यही देख रहा था, अभी जो वीडियो में आपने देखा वही बता रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे इस एस्ट्रॉइड के कुछ हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप सबको लीक करना चाहते हैं। हाँ भाई, वाह, हम अपने चैनल पे पहली बार एक एस्ट्रॉइड की इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और तू भी सुन। सुन रहा तो हूं। बेसिकली यहाँ पे इस एस्ट्रॉइड का नाम है 1998 OR2। तो ये है इसका नाम, पर्सनल नाम, आपने शायद आप सबको पता होगा या फिर किसको नहीं पता वो ध्यान में रख लीजिए, इसका पर्सनल नाम है इसके। इसको 1998 OR2 से ही बुलाया जाए, बेसिकली एस्ट्रॉइड नहीं, इसकी कुछ इज्जत है, एस्ट्रॉइड नहीं, 1998 OR2। तू भी सुन ले, सुन ओके लिया, चलो। तो ये इसका पर्सनल नाम है और इसके कुछ और पर्सनल डिटेल्स के बारे में बढ़ते हैं। तो यार यहाँ पे इसका जो वृत्त है, मतलब कि वृत्त इसको बोलते हैं और हाइट इसको बोलते हैं, तो ये जो वृत्त है इसका 2.4 किलोमीटर है। एक क्या मिनट में देख लेता हूँ, सॉरी, 1.8 हाँ किलोमीटर है इसका वेथ और 4.1 किलोमीटर है इसका हाइट। तो बेसिकली आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये एस्ट्रॉयड कुछ ज़्यादा बड़ा है, बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। ओके, यही है फ़र्क इसमें, ठीक है। और जो पिछले एस्ट्रॉयड जो धरती के और नज़दीक आए हैं, तो यहाँ पे ये भी एक मासूम सा एस्ट्रॉयड है जो धरती के नज़दीक आना चाहता है, ठीक है। तो ये था इसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है भाई, सुन लिया तूने सुन भी, लिया भाई, सुन लिया, तो सुन ज़्यादा लिया घबराने की बात नहीं भाई। है घबराने की बात ये नहीं कि थोड़ा सा क्या? कोलिशन, कोलिशन के बारे में अच्छा, बता दे। इसके बारे हाँ में हाँ भाई, हाँ टेंशन मतलब बता रहा हूँ आराम हाँ से, ओके हाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये एस्ट्रॉइड कितना अच्छा है और कितना बुरा है, क्या ये हमारा धरती पे कर सकता है, ठीक है। भाई जरा इस वीडियो पे थोड़ा खुलासा मारेगा, जरा बताएगा। रुकेगा थोड़ी देर? नहीं, मुझे बोलने देगा? ये सब तू ही बोल देना, इतना डर है तो तू देखता क्या है ये वीडियो? हाँ बता, बोल रहा हूँ ना, आराम से ठंड रख, शांति से बैठ तू, ठीक है, बता रहा ठीक है, हूँ। ठीक है, बता। तो यार यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, क्या ये एस्ट्रॉइड हमारे धरती से टकराएगा और इसको तोड़ देगा, मतलब कि फोड़ देगा, मतलब कि कुछ भी कर देगा, लेकिन कर देगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली 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 यहाँ पे नासा ने बोला है, मतलब कि नासा, नासा जानता है, हाँ नासा, जानता हूँ, नासा जानता एक हूँ, बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन, मतलब कि जानता जो हूँ, स्पेस से रिसर्च अबे करते हैं वगैरह जानता वगैरह बहुत सारे लोग। हूँ। तो उन्होंने बोला है क्या कि यार भाई, ये जो एस्ट्रॉयड है ये धरती के नियरली नियरली 4 मिलियन माइल्स अवे, मतलब कि जो धरती यहाँ है तो 4 मिलियन माइल्स अवे के आसपास ये 29th अप्रैल 2020 को आएगा, ओके। और यहाँ पे आप जान ही सकते हैं कि यार इससे नज़दीक तो हमारा मून ही है, और मून से, मून के डिस्टेंस से अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे 16th टाइम, मतलब कि 16th टाइम ये जो डिस्टेंस है मून का, यहाँ से लेके वो स्टेन टाइम एस्ट्रॉयड बहुत उतना ज़्यादा है। दूर आएगा हमारे धरती पे आसपास, जो 29th अप्रैल को 2020, ये सब बोल रहे हैं, ओके समझा, चलो समझ गया। ठीक है। अभी बात कर लेते हैं, क्या ये एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकरा सकता है। तो बेसिकली बेसिकली जितना मैंने फिजिक्स पढ़ा है, तो पढ़ा फोर है मिलियन माइल्स के आसपास तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उतना ज़्यादा होता नहीं है, होता है, जीरो नहीं होता, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता कि एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड को ये पुल कर ले।
जितना मैंने फिजिक्स पढ़ा है तो शायद मेरी फिजिक्स के हिसाब से ये शायद मुझे लगता है कि ये एस्ट्रॉयड भारत से टकरा, मतलब भारत बोल रहा हूँ, अर्थ से टकरा नहीं सकता, शायद मुझे ये लगता है। एक्चुअली फिजिक्स में थोड़ा वीक हूँ इसके लिए बात। हाँ भाई वीक हूँ, क्या कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट है भाई, इसलिए एवरेज टेंथ एवरेज स्टूडेंट हूँ। टेंथ तो क्या, वो तो टेंथ की बात है ना, अभी तो एवरेज स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट भाई, एवरेज स्टूडेंट है। तो ये था लाइक मेरे फिजिक्स कैलकुलेशन के हिसाब से ये धरती से टकरा तो नहीं सकता क्योंकि 4 मिलियन माइल्स अवे। तो ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं लाइक पास्ट में आए थे इससे, लाइक करीब, इतने करीब आए भी थे फिर भी अर्थ से टकरा नहीं पाए। तो ये भी एक बड़ा सा, लेकिन ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है एस्ट्रॉइड, तो ये बेसिकली जो डिस्टेंस है और जो साइज़ है ये मैटर नहीं करता कि, मतलब कि इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इतना छोटा भी डिस्टेंस नहीं कि आके अर्थ से टकरा सके। तो यहाँ पे जो यूट्यूब पे बता रहे हैं कि 29 अप्रैल 2020 को अर्थ ख़त्म हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल भी है तो ये लोग बैठ के यूट्यूब पे क्यों बना रहे हैं वीडियो जैसे हमारे तरह, है ना भाई। अगर 29 अप्रैल को तुमको पता है कि यार धरती ख़त्म होने वाली है तो जाके मज़े करो, अपने कुछ जो ख्वाहिशें थे उनको पूरा करो। हाँ। भाई अगर तुमको पता ही है तो 29 अप्रैल को तू भी करना, 29 अप्रैल को अगर तुझे पता है क्या ख़त्म होने वाला है तो क्यों बैठा है चुपचाप, क्यों टाइम वेस्ट कर, है ना। एक महीना तो बचा ही है, 1 महीना 12 दिन, ओके बी एक्यूरेट, एक महीना बचा है, चल हाँ ठीक है, चल तू जितना बोले उतना, हाँ ठीक है एक्यूरेट कहीं का, तो इतना ही तो बचा ही है, तो क्यों मतलब कि टाइम वेस्ट करो, जाके आराम से अपने काम करो करो, अगर 29 अप्रैल को ख़त्म ही होने वाला है तो, है ना भाई। सही है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते। तो बेसिकली बेसिकली और बेसिकली यहाँ पे ये एस्ट्रॉयड ये धरती से बिल्कुल नहीं टकराएगा, किसी को भी इससे डरने की जरूरत है नहीं। और ये भी माना गया है कि यार इसको हम अपने नेकेड आइट से देख नहीं सकते क्योंकि ये इतना दूर है अर्थ से। अगर आप इस एस्ट्रॉयड को देखना भी चाहते हैं तो आपको कम से कम नियरली एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा, जो टेलीस्कोप लगा के आप इस एस्ट्रॉइड को आराम से देख सकते हैं, है ना ठीक है। तो अगर आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि धरती जाकर टक्कर आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इस पर कोई घबराने की बात नहीं है, ये सारे फेक न्यूज़ है जो आपको बता रहे हैं 29 अप्रैल 2020 को अर्थ ख़त्म हो जाएगा, तो ये बेसिकली फेक न्यूज़ है। यहाँ पे डरने की बात हो है नहीं, पहले बात तो ये, इस कोरोना से लड़ो यार, फिर इस एस्ट्रॉइड की तरफ जाओ, पहले भी इस एस्ट्रॉइड की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले इस कोरोना का टेंशन तो ख़त्म होने दो यार, आप सीधा एस्ट्रॉइड ला रहे हो कि यार एक ही बार में ख़त्म कर दोगे दुनिया को, यहाँ पे कोरोना से ही हालत ख़राब हो चुका है हम सबका। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा है ठीक है, तो तुम भी सुन लो, यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है ठीक है, ये सारे फेक न्यूज़ हैं ठीक है, और तू इसको बंद कर, और यहाँ पे तू इस तरह के वीडियोज़ को, मुझे भी हार्ट अटैक ऐसा चिल्ला मत कि मुझे भी हार्ट अटैक आके मर जाओ, इतना कमज़ोर नहीं मुझे पता है, लेकिन बोलना पड़ता है यार एंटरटेनमेंट। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ बंद कर, ठीक है कर देता हूँ, कर देता। और काम की वीडियो देख, हाँ, थोड़ा पढ़ ले, हाँ, पढ़ ले, कॉलेज में पढ़ता है, पढ़ ले थोड़ा, इस वीडियो पे मत जा तू ठीक है। तो मैं भी आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग मानते हैं कि 29 अप्रैल 2020 को धरती ख़त्म होने वाली इस एस्ट्रॉइड की वजह से, तो यार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आराम से रहो मज़े करो ठीक है। तो यार अगर इस आज के वीडियो में इतना ही था, तो अगर आप इसी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस, एथिकल हैकिंग रिलेटेड वीडियोस, बहुत ही जल्द एक और एथिकल हैकिंग रिलेटेड वीडियोस जरूर लाऊंगा नेक्स्ट, जरूर कुछ 2-3 वीडियोस के बाद, मतलब कि 1-2 वीडियोस के बाद ला देंगे एक एथिकल हैकिंग वीडियो। तो अगर आप इसी तरह के एथिकल हैकिंग और अनबॉक्सिंग वीडियो, अनबॉक्सिंग नेक्स्ट वीडियो पक्का अनबॉक्सिंग का ही होगा, तो इसके रिलेटेड मैं बनाऊंगा। तो अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मानते हैं 29 अप्रैल 2020 को ये ख़त्म होने वाला है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।